हाय एवरीवन, मैं हूँ सोनाली बंसल, एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच और एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड आइटम्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में। वेल, बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन, वी आर वंस अगेन यू नो इन अ जोन ऑफ इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी। हम फिर से एक बार अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं चार ऐसी फूड आइटम्स जो आप रोज़ में यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि यू नो लास्ट लॉकडाउंस के अंदर भी, लास्ट कोरोना के स्पेल के अंदर भी, वी सॉ दैट लॉट ऑफ पीपल वर टेकिंग जिंक एंड विटामिन सी। वेल, इसके अलावा और ऐसे कौन से विटामिन हैं जो आप ले सकते हैं? सबसे पहले है विटामिन डी। वेल, विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन इन पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब। सो इफ़ यू गो एंड चेक योर विटामिन डी लेवल्स, मोस्टली आपको कम ही मिलेंगे। सो इट्स बेस्ट कि आप विटामिन डी का सेवन ज़रूर करें। अगर आप विटामिन डी का सेवन करते हैं तो उसे लिक्विड फॉर्म में ज़रूर लें। जब आप केमिस्ट के पास जाएं टू बाय योर विटामिन डी, आस्क फॉर अ लिक्विड सप्लीमेंट, क्योंकि वो बॉडी के अंदर बहुत जल्दी असिमिलेट हो जाता है। नाउ व्हाई विटामिन डी? बिकॉज इट इंक्रीजेज द गट हेल्थ। नाउ ये जो वर्ड है गट हेल्थ, जो हम इतना ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, why is it important when we speak about immunity? Because most part of the immunity is made in your gut. That's why it's very very important. So add vitamin D और gut health को improve करने के लिए एक दूसरा तरीका है vitamin B12. Well, vitamin D and vitamin B12 both go hand in hand. So अगर आपका vitamin D कम होगा तो most likely vitamin B12 is also low or deficient. So वो भी ज़रूर चेक कराएं और vitamin B12 का सेवन करें। चाहें तो अपने expert से या doctor से बात कर सकते हैं, नहीं तो जिस हिसाब से वो कम होता है उतनी क्वांटिटी लेनी होती है। सो इट्स बेस्ट आप अपने डॉक्टर से इसकी सलाह मशवरा ज़रूर करें। आइए तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है एक अर्ब। वेल, होली बेजिल या तुलसी आम तौर पे इंडियन घरों में पाई जाती है, बट क्या आप ये जानते हैं दैट इट्स एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल? येस, इट्स सो बेनिफिशियल, इट्स ऑल थिंग्स गुड। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ आप एक या दो पत्ते लें, उसे गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट उबाल के पी लें। आयुर्वेदा में ऐसा माना जाता है दैट इफ़ यू कंज्यूम 1 to 2 होली बेजल्स या तुलसी के पत्ते डेली, आपको ना तो बुखार होगा, ना खांसी, ना जुकाम। सो यू नो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर कोविड एंड फॉर विंटर सीजन्स एज वेल। और अगर विंटर सीजन्स की बात करें तो चौथी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी, आंवला। वेल, आंवला इज़ एम्पली अवेलेबल इन द मार्केट। इट्स अ वेरी रिच फॉर्म ऑफ विटामिन सी एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। सो वॉट यू कैन डू इज़ आप दो आंवला लें, उन्हें कस के उसका जूस निकाल लें। और कई लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका गला ख़राब हो जाता है, सो द बेस्ट वे इज़ टू ऐड अ टैड बिट ऑफ हनी इन इट। वेल, हनी क्या करता है, वो आपके गले को तरावट भी देता है और जो आंवले का खट्टापन है उसे नलिफाई कर देता है, तो वो आपके गले में नहीं लगेगा बट आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगा। तो ये थी कुछ चार चीज़ें जो आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक ऐसे लाइफस्टाइल चॉइस के बारे में जो हम सब ऑफ्टन मिस कर देते हैं, सो वो है स्लीपिंग। वेल, लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, नो वर्क फ्रॉम होम, स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू फेस लो इम्यूनिटी इश्यूज़, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन्स इन द बॉडी जब हम सोते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, फिल्टरेशन, रिजुविनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में एंड वी नीड इट फॉर गुड इम्यूनिटी। तो 7 to 8 hours की नींद ज़रूर लें, स्पेशली वेन यू वॉन्ट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो ये थी कुछ चीज़ें फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी। मैं फिर से आऊँगी टू टॉक मोर अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केवल टीवी। बाय।